बकर ते प्रेम करना, लोगों के नाल धोखेबाजी करना, रिश्तेदारियों नूं देखिया जाए रिश्तेदारी दी अंदर भी असी धोखेबाजियां करने आ, कारोबार नूं देखिया जाए लैन देन नूं देखिया जाए उहदे अंदर भी धोखेबाजियां कीतियां जांदियां ने। मकर और प्रेम दे नाल बात की जाती है, मकर और प्रेम दे नाल कम लिया जाता है। अगर दीन का मामला देखिया जाए बड़े ऐसे लोग नज़र आ जाते, बड़े ऐसे दीन के ठेकेदार नज़र आ जाते जिहड़े अपने आप को दीनदार समझते हैं लेकिन लोगों को दीन के मामले के अंदर भी फरेब देते हैं, लोगों के नाल धोखा करते हैं। मेरे पाक पैगंबर ने इस चीज़ को सख्ती के नाल मना किया है। अज इस माशे के अंदर असी अकलमंद उस इंसान को समझने जिहड़ा लोगों को बेवकूफ बनाता है, जिहड़ा लोगों के नाल चालबाजियां करता है, जिहड़ा लोगों को धोखा देता है, जिहड़ा लोगों के नाल फ्रॉड करता है। अज इस माशे के अंदर उस बंदे को अकलमंद समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, वला यहीकुल मकर सय्यो, जिहड़ा बंदा लोगों के सामने मकर करता है, बुरा मकर करता है, लोगों वास्ते गड़े खोदता है, लोगों वास्ते मकर घड़ता है, फरमाया इल्ला बी अहलिही, एक वक्त आता है ये लोगों वास्ते गड़े खोदन वाला, लोगों वास्ते खूह बनाने वाला, ये खुद ही उस खूह अंदर गिर जाता है। जिहड़ा लोगों के सामने अपने आप को होशियार बनाता है, लोगों के सामने अपने आप को अकलमंद शुमार करता है और लोगों को धोखा देता है, मकर करता है, कारोबार के अंदर लोगों के नाल धोखा और फराड करता है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इंदा धोखा और फराड करना इंदे अपने सामने आ जाएगा। अज बड़े ऐसे कारोबार करने वाले लोग जिहड़े धोखा करके अपना सामान बेचते ने, जिहड़े फराड करके मकर करके धोखाबाजी करके अपना सामान बेचते ने। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया उन्हां कोल माल तो बड़ा जमा हो जाएगा, पैसा बड़ा जमा हो जाएगा लेकिन उन्हां दे माल दे अंदर बेबरकती आ जाएगी। कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई नुकसान आ गया, कभी घर के अंदर लड़ाइया झगड़े आ गए, इसकी वजह की है? इसके घर के अंदर जिहड़ा माल आ रहा है ये धोखे दे नाल और फरेब दे नाल आ रहा है। ये अपने कारोबार के अंदर चलाकियां दिखाता है, लोगों के नाल धोखा और फ्रॉड करता है, लोगों को हकीर माल दे के उनकी वरायटियां बयान करता है। मेरे माल जैसा किसी का माल नहीं, मेरी चीज जैसी किसी की चीज़ नहीं। जिहड़ा बंदा धोखाबाजियां करता है मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ज़ाहरी तौर पर इनके हाथ के अंदर माल आ जाएगा, ज़ाहरी तौर पर इनके बैंक के अंदर बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके माल के अंदरों बरकत को उठा लेंगे, इनके माल के अंदर बरकत ही खत्म हो जाएगी। ये मारा मारा फिरेगा, लोगों को कहेगा मेरी पूरी नहीं पैंदी, वजह सिर्फ ये आ कि इन्हें माल कमाया फरार तरीके दे नाल, इसे तरीके दे नाल। अगर रिश्तेदारियों को देखा जाए रिश्तेदारियों के अंदर बड़ी ज़्यादा धोखाबाजी की जाती है, रिश्तों के लेन देन के अंदर बड़ी फ्रेड चलता है, बड़ी धोखेबाजियां की जाएं ने, ऐबां छुपाया जाता है। रिश्ता लिया जाए या रिश्ता दिता जाए औरत लिबास के अंदर देखा जाता है लेकिन उनके अंदर असल जिहड़ा ऐब है उन्हें छुपाया जाता है, मर्द का असल ऐब छुपाया जाता है। बेटा चरस पींदा है, भंग पींदा है, गंदे काम करता है लेकिन बरादरी के अंदर जो रिश्ता लैन की वारी आती है उनके ऐबा छुपा के आवाम के सामने आला बनाया जाता है। ये धोखेबाजियां ने इनू लैन देन के अंदर देखा जाए, कारोबार के अंदर देखा जाए, ये हर हाल के अंदर मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा दूसरों धोखा देता है, दूसरों के सामने गड़ा खोलता है, एक वक्त आता है ये खुद ही उस घड़े अंदर गिर जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस
मेरे बाद पैगंबर ने फरमाया मन रशा ना फले समीना, जेड़े बंदे ने साडे नाल धोखा कीता, जेड़े बंदे ने साडे नाल फराड कीता, जेड़े बंदे ने लोगों के नाल फरेब कीता, बाद पैगंबर फरमाते ने फले समीना उनका साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। वो बंदा नमाजा पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, सदका खैरात करता रहे, फले समीना उनका साडे नाल कोई भी ताल्लुक नहीं। और अगे अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक पैगंबर फरमाते ने वल मकरो वल खदाउ फिन्नार, जेड़ा बंदा मकर करता है, जेड़ा बंदा चालबाज बंदा है, फरेब देने वाला बंदा है, धोखा देने वाला बंदा है, फिन्नार ये बंदा जहन्नम अंदर जाएगा। इंदा काम जेड़ा है जिन्हें बड़ा मामूली समझदा है, ये गुनाह जिन्हों मामूली समझ के करता है, धोखे दी जा रहा है, फराड की जा रहा है, धोखाबाजी करता है, चालबाजियां करता है, इंदे चालबाजी करना, इंदा मकर करना, इंदा धोखा देना इनू जहन्नम दा बालन बना देगा। फरमाया फिन्नार ये बंदा जहन्नम अंदर चला जाएगा। अज साढ़े माशरे के अंदर इस गुनाह को बड़ा हल्का समझा जाता है, हर जगह पर मकर चल रहा है, हर जगह पर तुहानू चालबाज बंदे नज़र आन दे जिहड़े अपनी चलाकियां दे नाल अपनी चतर जबानी दे नाल अपनी जात नू दिखा के अपनी सफात नू दिखा के अपनी जबान दे जरिए लोगों नू धोखा देंदे ने, मकर करदे ने, फरेब देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ये लोग जहन्नम अंदर जान दे, फरमाया फिन्नार जहन्नम की अग जिहड़ी उहना टिकाणा बन जाएगी। या जिन्हों बड़ा मामूली समझा जाता है इस गुनाह को बड़ा हल्का समझ के हर बंदा ही की जा रहा है, जिहड़े भी शोभे अंदर है वो हर बंदे को धोखा देने की कोशिश करता है कि मैं चलाक हाँ, जिहड़ी अल्लाह ने मैनू जहानत दिती है ऐसी जहानत अल्लाह ने किसी नूं दिती। एक मोमन बंदा अपनी अकल को इस्तेमाल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की खातर, दीन के अंदर अगे बढ़ने वास्ते अपनी अकल को इस्तेमाल करता है और लोगों के धोखे तो बचने वास्ते अकल इस्तेमाल करता है। लोगों को धोखा देने वास्ते अकल को इस्तेमाल करना ये इंसान के कारोबार को तबाह बर्बाद कर देता है।